हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम करेंगे क्लास सेकंड का सिलेबस। तो जो हमारे छोटे छोटे से क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड चैप्टर्स जो आपके इंक्लूड हुए हैं, टॉपिक्स क्या हैं आपके, चैप्टर्स क्या क्या हैं। ओके, तो क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो आपका मोड होगा एग्ज़ाम का, वो ऑफलाइन होगा। जो मीडियम होगा, जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन अराइज होंगे, वो इंग्लिश होगा। सारे क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो वो आपको फिल करने हैं OMR शीट्स पर। आपको एक OMR शीट मिलेगी जहाँ पे आपको सर्कल करके अपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैथ्स को। तो जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, तो वन बाय हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चैप्टर्स आने हैं आपके। जो क्लास सेकंड लेवल पे अपने स्कूल में आप जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं, वही लेवल होगा आपका। ठीक है, सब स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट बुक है, बट लेवल सेम होता है सभी का। तो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट है आपका नंबर्स नेम, नंबर्स एंड न्यूमरेशन। पता होगा आपको कि आपको नंबर देख के ऑफर बताना होता है, लाइक आपको 200 दे दिया तो वो लिखना होता है आपको वर्ड्स में 200, या फिर आपको वर्ड्स में लिख के दे दिया, आपको न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना होता है उसको। ठीक है, तो नंबर एंड न्यूमरेशन है आपका अप टू हंड्रेड होगा आपका, मतलब 1000 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 100 तक है आपका। सेकेंड है आपका एडिशन, क्लास सेकेंड लेवल का ही होगा आपका एडिशन। सब्ट्रैक्शन, ये सब आपके क्लास लेवल का होगा। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सेम क्लास सेकेंड लेवल की होगी डिवीजन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, मेंशन कर लेते हैं, ज्योमेट्री, जिसमें आपको शेप्स बतानी होती है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्या है आपका। ओके, फर्दर है आपका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने स्टडी किया होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रीडिसेसर्स, सक्सेसर और पुट द साइन। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें आपके नंबर एंड न्यूमरेशन है, सिर्फ हंड्रेड्स के हैं। ओके, 1000 इंक्लूड नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्री आपकी, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, प्रीडिसेसर, सक्सेसर और पुट द साइन। तो ये सिर्फ आपका क्लास सेकेंड लेवल का ही होगा, जिस बुक से आप अभी स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो वैसे ही होंगे, बट यहाँ पे MCQs होंगे। ओके, तो मैथ्स में से जो क्वेश्चन अराइज होंगे आपके, वो 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो टोटल आपके हो गया मैथ्स 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा। डन, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका साइंस। साइंस जो है, जिसको आप EVS भी बोलते हो, ठीक है, जनरल साइंस, EVS आपकी, सेम वही बात है स्कूल लेवल पे जो आप स्टडी करते हैं, सबके चैप्टर्स भी सेम ही होते हैं। तो जनरल साइंस की बात करें हम, तो जनरल साइंस में जो आपके चैप्टर्स होंगे वो है माय फैमिली, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, माय सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपके, माय बॉडी, फूड, हेल्दी हैबिट्स, क्या हेल्दी हैबिट्स होती हैं उनसे रिलेटेड, सेफ्टी ऑन द रोड, कि रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या होते हैं सेफ्टी रूल्स आपके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये चैप्टर्स हैं आपके साइंस के।
तो साइंस से आपके जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो टोटल होंगे आपके 25, मतलब इन टॉपिक से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो साइंस आपकी होगी टोटल 50 मार्क्स की। 40 मार्क्स का मैथ्स था, 50 मार्क्स की आपकी साइंस है। तो चैप्टर्स आपको पता चल गए होंगे, माय फैमिली, माय सेंसेस, माय बॉडी, फूड, हेल्दी हैबिट, सेफ्टी ऑन द रोड, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 25 और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो आपके मार्क्स हो गए 50। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो होगी वो आपकी बुक वाली नहीं होगी, मतलब बुक वाली कैसे, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो जो उसको बोलते हैं लिटरेचर, वो वाले नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो स्टोरी वाले नहीं होंगे, आपकी होगी ग्रामर, एक डिफरेंट बुक होगी आपके लिए ग्रामर के लिए। तो ग्रामर वाली बुक से आएंगे आपके जो टॉपिक्स आने हैं आपके इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो आने हैं आपके वो हैं आपके टॉपिक्स नाउन। तो नाउन में सिर्फ सेकेंड क्लास के लिए कॉमन और प्रॉपर नाउन है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। क्लास सेकेंड के लेवल का होगा बच्चों का, एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो उसमें आपके चेंज द नंबर, चेंज द नंबर होते हैं आपके सिंगुलर प्लूरल वाले, और चेंज द जेंडर मस्कुलिन और फेमिनिन, चेंज द जेंडर यहाँ से क्वेश्चन होंगे आपके, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन, नेक्स्ट है यूज ऑफ इज, एम, आर एंड वॉज वर। आपको फिलअप मिलेगा, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, आपको कौन सी वर्ब फिल करनी है वो देखना है। नेक्स्ट है होमोफोन्स, होमोफोन से क्वेश्चन होगा आपके, आपके लेवल के ही अकॉर्डिंग बेसिक आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होंगे, क्लियर। तो ये ग्रामर के चैप्टर्स हैं आपके जहाँ से आपके क्वेश्चन आने हैं। नाउन होगा, नाउन में आपका कॉमन और प्रॉपर नाउन है, चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर, प्रोनाउन, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, होमोफोन्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। और इंग्लिश से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 10 होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो इंग्लिश है आपकी 20 मार्क्स की, क्लियर। तो अब तक हमने डिस्कस कौन कौन से सब्जेक्ट किए हैं, आपका मैथमेटिक्स किया था जो 40 मार्क्स का था, 20 क्वेश्चंस अराइज होने थे वहाँ से। नेक्स्ट हमने किया साइंस, जो 25 क्वेश्चंस आने हैं वहाँ से और वो 50 मार्क्स का है। फिर हमने किया इंग्लिश, इंग्लिश में हमारे 10 क्वेश्चंस आने हैं जो 20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हमारी जीके, जीके में कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर कि क्या है, बट वो बेसिक ही होगा, क्लास सेकेंड लेवल का ही होगा, जनरल सी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के सराउंडिंग की वो सब, ठीक है, ओके। बाकी आपकी कंट्री से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं बेसिक में, ठीक है, और जो डेली है वो वाली चीज़ें, मतलब करंट अफेयर्स टाइप की बेसिक, बिल्कुल ये सब क्लास लेवल का ही होगा। तो जीके आपकी क्लास लेवल के अकॉर्डिंग ही आएगी, जो बच्चों का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अराइज हो रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी मैंने मार्क्स राइट डाउन कर लिया था, 25 क्वेश्चंस होंगे आपके जीके से जो बेसिक होंगे बिल्कुल 25, और मार्क्स हो गया 50। तो 50 मार्क्स की ही आपकी जीके है जो बिल्कुल जर्नल होगी, ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, आप बहुत छोटे हैं सेकेंड क्लास के बच्चे, उनको मेंटल एबिलिटी भी बिल्कुल बेसिक ही मिलेगी जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। सिर्फ आपको अपने माइंड लेवल के अकॉर्डिंग अच्छे से देखना है कि वहाँ पे क्या चीज़ है, ये बिल्कुल बेसिक ही होगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है आपका कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। एनालॉजी, आपको नेम्स बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे बट ये आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। क्लासिफिकेशन और सीरीज, ठीक है, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स बहुत छोटे होते हैं तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग होंगे आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 10 होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके, तो टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स का मैट, क्लियर, डन। सब MCQ बेस्ड होगा आपका और ये आपका बिल्कुल बेसिक होगा जो आप इजीली कर पाए,
ओके डन। तो जो आपके टोटल है ठीक है वो आपके 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चंस और आपके जो मार्क्स होंगे वो 180 होंगे। डन। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, मीडियम आपका इंग्लिश होगा, टाइम आपका 2 आवर्स होगा। ओके ये क्लास सेकेंड के लिए था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।